दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हैं मंदिरों के शहर यानी कि जम्मू में। मंदिरों के शहर में आज एक और मंदिर बन चुका है जिसका नाम है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो कि पहले साउथ में था और अब जम्मू में भी बन चुका है। तो अब बस हम वहीं पे जा रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको वहां पे क्या क्या है, तो बने रहे मेरे साथ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए। तो दोस्तों, इन वादियों से होते हुए हम पहुंचने वाले हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में। मैं आपको बता दूं, ये मंदिर जम्मू के सिद्रा रोड एक बत्रा हॉस्पिटल है, बस उसी के थोड़ी सी ही पास में ये मंदिर पड़ता है। तो हम अभी उसका टर्न ले चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ही इनका एंट्रेंस गेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल तिरुपति बालाजी मंदिर। तो आइए चलते हैं आप अंदर और करते हैं मंदिर के दर्शन। Let's go. तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं बाबा वेंकटेश्वर मंदिर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही ये मंदिर है। तो हम अभी एंट्री करने वाले हैं यहाँ पे। तो लेट्स गो। अभी मैं दर्शन करके आ चुका हूँ और मैं मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि उन्होंने कहा मंदिर के अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप मंदिर के अंदर ना ही वीडियो बना सकते हो, ना ही कोई फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो। तो इसलिए मैं अंदर की वीडियो नहीं बना पाया। और उन्होंने मुझे एक और बात कही, बोल रहे थे कि आने वाले टाइम में जब हमारे फ़ोन वगैरह कैमरा वगैरह मंदिर के गेट पर ही सबमिट कर लेंगे, वहीं पर जमा कर लेंगे, और गेट के अंदर ये किसी को भी ना कोई फ़ोन ना कोई कैमरा अलाउ करेंगे। तो अभी अभी उन्होंने बताया कि आप अभी इस वक्त मंदिर के बाहर की वीडियो ले सकते हो, ये आप बना सकते हो, बस अभी के लिए मंदिर के अंदर नहीं बना सकते। तो थैंक्स इनको, इन्होंने मुझे इतनी सी परमिशन दे दी वीडियो बनाने के लिए। तो अब चलते हैं आगे, लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस वक्त चलते चलते मेरे पाँव काफ़ी ज़्यादा जल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप थी और जो टाइल्स पड़ी थी वो इतनी ज़्यादा तप रही थी कि मेरे पाँव
रखे नहीं जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जल रहे थे, बट फिर भी मैं रुका नहीं, वीडियो बनाता गया। बट मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप आते हो तो देखिए, अगर शाम के टाइम आते हो या सुबह के टाइम, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोपहर के टाइम कुछ ऐसा कीजिएगा जो ऐसे आप सॉक्स डालो, कुछ डालो, ताकि आपके पाँव ज़्यादा जले ना। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था इतना, तो मैं चला गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी मुझे चलने में वहाँ पे। तो जो मेरे साथ फ्रेंड्स थे वो सारे एक जगह बैठ चुके थे, क्योंकि वो चलने की हालत में नहीं थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हीट निकल रही थी नीचे से। तो इसलिए वो आप देख सकते हैं अपने लिए कि आपको किस तरह से जाना है। वैसे अगर प्रशासन जहाँ पे कोई मैट वगैरह बिछा दे तो यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है चलने में। वैसे अभी काम चल रहा है मंदिर में, तो हो सकता है आगे के वो कर दें ऐसा। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।